छल किया, कपट किया, किया विश्वास घात, एक बार फिर से दुनिया को दे दी मात। चीन को उल्टा पड़ा कोरोना का प्रयोग, अपने ही यहां मार दिए न जाने कितने लोग। चीन ने अपनी चाल से एक ऐसी बीमारी फैलाई, अच्छे अच्छे देशों की अर्थव्यवस्था डगमगाई। दोस्तों, अब तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने आपको कोरोना वायरस की जड़ तक सारी जानकारी देने की कोशिश की। कैसे कोरोना वायरस का जन्म हुआ, इस वायरस के उत्पन्न होने का कारण क्या है, किस देश को कोरोना से सबसे ज्यादा लाभ होगा। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपके साथ बात करने वाला हूँ। ये जानकारी आपको और कहीं से नहीं मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। पहली बात दोस्तों, भारत एक ऐसा अद्भुत देश है दुनिया में जहां कोई भी वायरस जल्दी से फैल नहीं सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तीखा है, इतना तेज है कि सैकड़ों किस्म के वायरस ऐसे ही मर जाते हैं। यूरोप में ये समस्या है कि वहां बहुत तेजी से वायरस फैलते हैं क्योंकि साल में 9 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं होता। यूरोप के सभी देशों में आप जानते हैं एक साल में 9 महीने सूर्य के दर्शन नहीं होते और साल में 6 महीने तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। और इतने ठंड वाले इलाके में अगर कोई फ्लू फैले, वायरस फैले, बैक्टीरिया बने तो समझ में आता है, क्योंकि इसको कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत जैसा देश तो दुनिया में अद्भुत है जहां साल के 12 महीने सूर्य प्रकाश मिलता है और गर्मियों में तो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रहता है जिसमें कोई वायरस पनपना ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, मैं कुछ दवा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनीज के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। दवा के क्षेत्र में काम करने वाली उनमें से एक कंपनी है बायर। उसकी मूल पूंजी हमारे देश में सिर्फ 6 लाख रुपए है बस, और उसका एक साल का नेट प्रॉफिट 154 करोड़ रुपए है। इसी तरह की एक और कंपनी है जिसका नाम है सिनेमेंट। इसकी मूल पूंजी इस देश में 40 लाख रुपए, नेट प्रॉफिट 115 करोड़ रुपए है। इसी तरह एक और विदेशी कंपनी है, उसके नाम है स्वेगाइगी। हमारे देश में कुल मूल पूंजी 70 लाख है और एक साल का प्रॉफिट 114 करोड़ रुपए है। देख लो दोस्तों, ये दवा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां कितना मुनाफा कमाती हैं, पर ये टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट है। अब आप सोच लीजिए, थोड़ी सी पूंजी लगाकर दवा के क्षेत्र में इनके भयंकर मुनाफे हैं। मुझे अब आपको इन कंपनियों के बारे में एक और आखिरी बात कहनी है। अब इन दवाइयों की कंपनियों को समय पर अपनी दवा बेचनी है, और दवा बेचनी है तो उसके लिए माहौल बनाते हैं, वातावरण तैयार करते हैं। और वो वातावरण और माहौल कैसे तैयार किया जाता है, उसका ताजा उदाहरण है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, बर्ड फ्लू आ गया, पूरे देश में हल्ला मचाना, अखबारों में फ्रंट पेज पर खबर छप रही है, टीवी चैनल्स पर दूसरी न्यूज ही नहीं है सिवाय इसके कि कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। दोस्तों आपको बता दूं, भारत में हर साल 4 से 5 लाख लोग मर जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस से, और मलेरिया से करीब 2 लाख लोग मर जाते हैं। हेपेटाइटिस, जो कि एक तरह का वायरस ही है, उससे करीब 75,000 लोग मरते हैं हर साल। इतनी बड़ी मौत के आंकड़े हैं। कैंसर, हार्ट अटैक, दमा, अस्थमा, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। इसके पीछे भी एक रहस्य है दोस्तों। कैंसर का वैक्सीन नहीं बनता, ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन नहीं बनता, दमा का वैक्सीन नहीं बनता, अस्थमा का वैक्सीन भी नहीं बनता, हृदयाघात का वैक्सीन नहीं बनता। मतलब सीधा सा है, जिन बीमारियों के वैक्सीन नहीं बन पाते उन बीमारियों पर मीडिया चर्चा नहीं करता, क्योंकि उनसे कंपनियों को कोई बड़ा लाभ होने की गुंजाइश ही नहीं है। इन सब बीमारियों के वैक्सीन बन सकते हैं और वैक्सीन बनकर बाजार में बिक सकते हैं, और इसमें विदेशी कंपनियों को मुनाफा बड़ा भयंकर है। इसलिए मीडिया में ये सारी खबरें बहुत तरीके से पेश की जाती हैं और प्रिंट मीडिया में छपवाई जाती हैं। हमने पहले भी बताया था कि कोरोना वायरस के आने से पहले उसका हल भी चीनियों के पास था। अब हम आपको एक और किस्सा बताते हैं अमेरिकन का। अमेरिका ने ऐसे ही एक वायरस बनाया और इसका टीका भी बनाया। एक अमेरिकन कंपनी है, वो स्वाइन फ्लू की दवा बनाती है, टैमीफ्लू। और टैमीफ्लू दवा को बनाते समय वायरस जो है अनकंट्रोल हुआ, नियंत्रण से बाहर हुआ, और उसने स्वाइन फ्लू को फैलाना शुरू कर दिया सारी दुनिया में। एक अमेरिकन कंपनी की गैर जिम्मेदारी से स्वाइन फ्लू का वायरस सक्रिय हुआ और सारी दुनिया के 30 देशों को उसने अपनी चपेट में लिया। अब 30 देश हैं वो टैमीफ्लू के ग्राहक हो गए। वायरस निकला अमेरिका से, ग्राहक हो रहे हैं उनके दुनिया के 30 देशों के लोग। अब वो सब लोग जिनको स्वाइन फ्लू होने की संभावना है या हो गया है, डॉक्टर इनको एक ही दवा लिख रहा है, टैमीफ्लू खाओ। तो ऐसे पूरे देश में आतंक और माहौल फैला दिया गया। अब इस आतंक और माहौल के दो ही उद्देश्य हैं,
पहला उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा टैमीफ्लू दवा को बेचना, जो पिछले कई साल से कंपनी ने उत्पादन करके गोडाउन में भरी हुई रखी है। अब वो गोडाउन खाली करने हैं। ये गोडाउन तो तभी खाली होगा जब कोई दवा का आतंक हो, वायरस का आतंक हो, डर हो, दहशत हो। डर, दहशत और आतंक के चलते आदमी मजबूर हो जाता है महंगी से महंगी दवा खाने के लिए और महंगे से महंगे इलाज करवाने के लिए। तो ये स्वाइन फ्लू का वायरस किसी तरह का एक प्रोपोगेंडा था उस वक्त। वैसे याद हो रहा है कोरोना वायरस के साथ, मुझे तो एक बात कहनी है कि ये कोरोना वायरस नहीं है, ये मीडिया वायरस है, मीडिया ने पैदा कर दिया। मैं आपको एक और पुरानी जानकारी देना चाहूंगा जो कि कोरोना वायरस का पूरा सीक्रेट आपके सामने पेश करेगी। अब ये सब दोस्तों आपको अगली वीडियो के पार्ट टू में बताऊंगा कि कैसे ये दवाई की बड़ी कंपनियां मुनाफा कमाती है ऐसे लोगों को वायरस फ्लू के नाम से डरा के। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोरोना वायरस की हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।